बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट यूनिट नंबर 9। द नेम ऑफ द यूनिट इज़ मैंगोज एंड गोवास। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड्स टू नो। ग्रोंड मेड अ डीप साउंड ऑफ पेन और सारो। एक ऐसी आवाज़ जो कि बहुत दुख भरी होती है या जिसमें बहुत दर्द होता है। स्प्रिंग द सीज़न ऑफ द ईयर बिटवीन विंटर एंड समर। साल का ऐसा मौसम जो कि विंटर और समर के दरमियान में आता है, मतलब गर्मियों और सर्दियों के दरमियान में, जिसे हम बहार का मौसम भी कहते हैं। टेलीस्कोप अ डिवाइस यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लोजर सो दे कैन बी लुक्ड एट फ्रॉम फार अवे। एक इस तरह की जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम टेलीस्कोप कहते हैं, जो दूर की चीज़ों को पास करके बड़ा करके दिखाता है। ट्विग अ थिन ब्रांच ऑफ अ ट्री आर बुश। एक जो है वो पतली टहनी किसी भी ट्री की, जिस तरह से यहाँ पे ये हमें नज़र आ रही है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स रीडिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ दिस यूनिट। Once there was a young man called परवेज। एक दफ़ा एक जवान आदमी था जिसका नाम परवेज था। He lived near the sea। वो समंदर के करीब रहता था। One day he was sitting on a rock। एक दिन वो एक चट्टान पर या पत्थर के एक पीस पर बैठा था। Playing his flute और अपनी बांसुरी बजा रहा था। जैसे ये तस्वीर में हमें नज़र आ रहा है, ये जो बंदा है इसका नाम परवेज है, ये स्टोन पीस पे बैठा हुआ है और ये फ्लूट होती है बजाने के लिए, जिसको हम बांसुरी कहते हैं, ये बजा रहा था। Suddenly अचानक ही saw a beautiful green snake। उसने अचानक से देखा एक बहुत खूबसूरत सब्ज रंग का सांप, जैसे यहाँ तस्वीर में हमें दिखाई दे रहा है। इट बिगेन टू डांस। उसने डांस करना शुरू किया, नाचना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम द स्नेक स्पोक टू हिम। कुछ देर के बाद सांप उससे बोला। किससे बोला? परवेज से बोला। थैंक यू फॉर योर म्यूज़िक। तुम्हारी मौसीकी के लिए शुक्रिया। शी सैड एंड शी गेव परवेज अ गोल्ड कॉइन। अब यहाँ पे जो स्नेक है वो फीमेल है, तो यहाँ पे हम शी इसके लिए यूज़ कर रहे हैं कि उसने कहा और उसने एक गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का उसको दिया। परवेज वाज वेरी हैप्पी। परवेज बहुत खुश था। एवरी डे हर दिन ही प्लेड हिज फ्लूट, वो अपनी बांसुरी बजाता। एंड द ब्यूटीफुल स्नेक डांस्ड एंड देन गेव हिम अ गोल्ड कॉइन। जो खूबसूरत सांप था वो डांस करता और फिर उसको एक गोल्ड कॉइन देता, सोने की एक सिक्का देता। ही लेफ्ट हिज लिटल हट। उसने अपनी छोटा सा जो झोंपड़ी उसने बना रखी थी जिसमें वो रहता था, उसने उसको छोड़ा। ही बॉट सम लैंड। उसने कुछ जगह खरीदी। एंड बिल्ट अ न्यू हाउस। और एक नया घर उसने वहाँ पे बना लिया। When September came, जब September का महीना आया, the snake said, तो सांप ने कहा, परवेज परवेज, I am going away for the winter, मैं जो हूँ वो सर्दियों के लिए जहाँ से दूर जा रहा हूँ। I shall come back next spring, मैं अगले बहार के मौसम में वापस आऊँगा। Now अब आंसर दिस क्वेश्चन, मुझे इस बात का जवाब दो। व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो? मैंगोज आर गोवास, आम या फिर अमरूद? आई लाइक बोथ, मैं दोनों पसंद करता हूँ, सेड परवेज। परवेज ने कहा विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ। हेयर यू आर, तुम यहाँ हो, सेड द स्नेक, सांप ने कहा। एंड शी गेव परवेज अ ट्विग, और उसने उसको एक ट्विग या फिर एक जो है वो पतली सी शाख दी। प्लांट दिस ट्विग इन योर गार्डन, और उसे कहा कि वो इसको लगा दे अपने बाग में। वन डे इट विल गिव यू मैंगोज एंड द नेक्स्ट डे गोवास। एक दिन ये तुम्हें आम देगी और दूसरे दिन इस पर अमरूद होंगे। सो परवेज प्लांटेड द ट्विग, तो परवेज ने उस ट्विग को लगाया
एंड सून इट ग्रू इंटू अ फाइन ट्री, और जल्द ही वो एक बहुत उमदा दरख्त बन गई। वन मॉर्निंग द ट्री वाज फुल ऑफ मैंगोज, एक सुबह जो दरख्त था वो भरा हुआ होता आम के साथ। परवेज पिक्ड द मैंगोज एंड सोल्ड देम इन द टाउन, परवेज ने आमों को तोड़ा और उनको बेचा कस्बे में जाके। When he got home, the tree was full of flowers again. जब वो घर वापस आया तो जो दरख्त था वो दोबारा से फूलों से भर गया था। And the next morning, और अगली सुबह, it was full of guavas, वो भरा हुआ था अमरूदों के साथ। Every day, परवेज sold his fruit, हर दिन परवेज अपना फ्रूट जाके बेचता। He became quite rich, वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। One day, एक दिन, a ship came into the harbour, एक बहरी जहाज़ आया बंदरगाह पर। The captain saw Parvez tree through his telescope, तो जो कप्तान था, जो जहाज़ चलाने वाला था, उसने परवेज के दरख्त को देखा टेलीस्कोप की मदद से। Mangoes in December, दिसंबर के महीने में आम। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से बोला, व्हाट अ फाइन ट्री, ये कितना उमदा दरख्त है। द फॉलोइंग डे ही मेट परवेज एंड सेड, इसी दिन वो परवेज को मिला और उसने कहा, योर मैंगोज आर वेरी फाइन, तुम्हारे आम बहुत अच्छे हैं। परवेज थॉट अ जोक, परवेज ने एक मजाक उसे सूझा या उसने सोचा। दे आर नाट मैंगोज, ये आम नहीं हैं। He said, उसने कहा, they are guavas, ये अमरूद हैं। Mangoes, roared the captain, captain धाड़ा, if they are guavas, I shall give you my ship, अगर ये अमरूद हुए तो मैं तुम्हें अपना जो बैरी जहाज़ है वो दे दूँगा। परवेज took the captain to his garden, परवेज कैप्टन को अपने बाग में ले गया। गोवाज, ग्रोन द कैप्टन, आई हैव लॉस्ट माई शिप, अमरूद, उसका जो कैप्टन था उसने अफसरदगी से कहा और साथ ये कि मैंने अपना बैरी जहाज़ खो दिया। द नेक्स्ट डे परवेज वेंट टू सी द कैप्टन, अगले दिन परवेज कैप्टन को देखने गया। द कैप्टन वाज लुकिंग सैड, तो कैप्टन बहुत परेशान या उदास नज़र आ रहा था। डोंट बी सैड, उदास मत हो, सैड परवेज विद अ स्माइल, परवेज मुस्कुराया एक या फिर परवेज ने कहा मुस्कुराहट के साथ। आई शैल नॉट टेक योर शिप, मैं आपकी शिप नहीं लूँगा। आई वॉज प्लेइंग अ जोक ऑन यू, मैं आपके साथ मजाक कर रहा था। ही देन टोल्ड द कैप्टन ऑल अबाउट द स्नेक एंड द ट्री, तब उसने कैप्टन को सारी कहानी बताई, ये सारी बात बताई स्नेक के बारे में, सांप के बारे में और दरख्त के बारे में।